रूस यूक्रेन युद्ध की आग से दोनों देश झुलस रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध भयंकर होता जा रहा है। रूसी सेना एक एक कर यूक्रेन के इलाकों पर अपना कब्जा जमाती जा रही है। रूस से मिलती हार को देखकर यूक्रेन के हाथ पांव फूल गए हैं। यूक्रेन के समर्थक पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर जंग को लंबा खींच रहे हैं। नेटो देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं जंगी मैदान के बीच तीखा जुबानी पलटवार भी जारी है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पोलैंड के विदेश मंत्री की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर दिए भड़काऊ बयान पर बड़ा जवाब दिया है। मेदवेदेव ने पोलैंड को रेडियो एक्टिव राख की धमकी तक दे डाली है। मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वे रूस यूक्रेन युद्ध में ज्यादा अलर्ट हैं। अमेरिका की ओर से हमारे ठिकानों पर हमला करने का साफ मतलब विश्व युद्ध करना है। एक विदेशी मंत्री, यहाँ तक कि पोलैंड जैसे देश के विदेश मंत्री को भी ये समझना चाहिए। मेदवेदेव ने पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का हवाला देते हुए पोलैंड पर निशाना साधा है। मेदवेदेव ने कहा कि रूस के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला पोलैंड अपने यहाँ पर अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड को निश्चित रूप से रेडियो एक्टिव राख का अपना हिस्सा मिलेगा। बता दें कि डूडा ने बीते अप्रैल महीने में कहा था कि पोलैंड यूक्रेन के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक है। जैसे बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती है, वैसे ही पोलैंड भी अपने यहाँ नेटो के परमाणु हथियारों को तैनात करने के लिए तैयार है। साल 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले मेदवेदेव उदार रूसी नीति रखने वाले शख्सियत माने जाते थे। हालांकि उन पर आरोप लगता रहता है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से वो सबसे बड़े कट्टरपंथियों में शुमार हो गए हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का पक्ष रखते आ रहे हैं। सिरोस्की ने ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर अमेरिका कथित तौर पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। पोलिश विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका ने रूस से कहा है कि यदि आप परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं तो भले ही इससे किसी की जान ना जाए, हम यूक्रेन में आपके सभी टारगेट्स पर अपने हथियारों से हमला करेंगे, हम उन सभी को नष्ट कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन को रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के अलावा रूस खुद को ज्यादा सीमित नहीं करता है। यूरोपियन यूनियन को हालात बिगड़ने से डरना नहीं चाहिए और यूक्रेन संघर्ष को लेकर खुद पर सीमाएं नहीं लगानी चाहिए, ताकि रूस ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि उनका अगला कदम क्या होगा। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी बॉर्डर से लगे इलाके में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास करने का आदेश देकर यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों में हलचल बढ़ा दी थी। इसको लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया था कि ये अभ्यास पश्चिम से बढ़ती भड़काऊ बयानबाजी के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक चेतावनी के रूप में था। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर परमाणु हमला करने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल में राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा था कि यूक्रेन संघर्ष में किसी भी समय रूस ने ऐसे हथियारों का उपयोग करने पर विचार नहीं किया है।